एक बात आप लोगों से कहनी है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा कम देखते हैं, काइंडली कोशिश किया करें कि वीडियो को एंड तक देखें और इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों का शेयर कर दें। आपकी सपोर्ट की हमें जो ना काफ़ी ज़रूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो आज का हम न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार न्यू व्लॉग ना बहुत अजीब सा ही है हमारा। इसमें पता क्या है कि रात को हमारे गांव में हुई है चोरी। ठीक है। तो चोर जो है ना, वो जो हम खाद्य वगैरह यूज़ करते हैं ना ज़मीनों को, वो लेके चले गए। अब हमारा सिंस ये कहता है कि हमारी कुछ चीज़ें पड़ी वहाँ पे मोटर पे, तो वो सारी हम मतलब कि कहीं छुपा के रखते हैं अच्छी जगह पे लॉक वाले के, ताकि कोई ले भी ना जा सके। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट। अच्छा, तो अभी आप बता रहे हैं सर भाई कि जो है ना खाद वगैरह होगी चोरी, तो मुझे सुनने में आया कि कुछ और भी हुआ गांव में चोरी, उसके बारे में है इल्म आपको? हाँ, कुछ की जानवर वगैरह, 8-10 बकरियां भी ले गए हैं। बकरियां भी ले गए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि गांव में क्या हो रहा है। की बकरियां भी ले गए हैं। भाई का बहुत ही अफसोस हुआ हमें दिल से। और ये भी है कि एक घर का और कुछ सामान वगैरह जला गए हैं। अक्सर हमारे गाँव में पता है क्या होता है, जो तो हाथ लोग जिनकी ज़मीनें नहीं हैं, हम तो होते हैं ना तुबले वगैरह रख लेते हैं, उनका ये चीज़ें नहीं होते। तो वो अपने ना कुछ रालिया वगैरह और मक्की की कुछ फसल का वो काट कर सारा कुछ रख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इस तरह का, और साथ में वो लकड़ी इकट्ठा करके रख लेते हैं। और रात को उनको भी आग लगा दी। सोचने वाली बात, वो भाई से वो रो रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हो गया, ताकि पूरी सर्दी का जो भी मेरा मटीरियल था वो जल चुका है। अब मैं सर्दी में क्या करूँगा, मुझे और पैसे लगाने थे। तो चले यार, आज हम चलते हैं अपने न्यू ब्लॉग की तरफ। ठीक है। हाँ तो अर्शद भाई, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे अभी छोटे भाई ने बताया है कि हमारे गांव में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे तहजीब आपकी का एक बहुत ही ज़बरदस्त शेर है वो याद आ रहा है, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो मैं एंड पे सुनाऊँगा आपको। हमारे साथ आपने रहना है। तो अभी हम जा रहे हैं, अपना कुछ सामान है उसको सिक्योर करने के लिए। जो वाक़या हुआ वो भाई ने बता दिया आपको वीडियो में ऑलरेडी। तो उसके साथ साथ आज हम कुछ जो ना हल भी चलाएंगे और ट्रैक्टर की ड्राइविंग करेंगे, और उसमें आपको जो ना दिखाएंगे कि उसकी ड्राइविंग कैसे होती है, और एंजॉय करेंगे। अंकल जो है ना ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मैंने वैसे कभी चलाया नहीं है, बहुत कम चलाता हूँ, लेकिन मुझे चलाना आता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, और ट्रैक्टर के साथ थोड़ी कुश्ती करेंगे। और होप सो आपको आज की मेरी वीडियो जो ना वो अच्छी लगे। और एक बात आप लोगों से कहनी है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा कम देखते हैं, काइंडली कोशिश किया करें कि वीडियो को एंड तक देखें और इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों का शेयर कर दें। आपकी सपोर्ट की हमें जो ना काफ़ी ज़रूरत है। व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं अभी भी चैनल पे, लेकिन थोड़े और आ जाएँ तो काम बेहतर हो जाएगा। तो अभी इस तरफ कैमरा घुमाते हैं, आप देख सकते हैं कि एक लेज़र आया हुआ है। पहले हम लोग मीन की कुछ जो है ना दिक्कतें वगैरह उसको मारी हैं, अच्छी हालत में की है, और उसके बाद अभी जो है ना लेज़र करके उसके बाद उसको दोबारा जो है ना उसमें हल चलाएंगे। तो वो मैं भी चलाऊंगा, चाचू और कज़न उधर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मेहनत करने से जो है ना कुछ मिलता है, एफर्ट करने से। ऐसे चीज़ें नहीं कि आप घर बैठे रहो आराम से और आपको कि आपको सक्सेस या कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिसकी आप जो है ना तमन्ना करते हैं या आपकी चाहत है। तो उसके साथ ही ये देख लें, ये जो पाइप है हमारे, ये आप देख सकते हैं कैमरे वाले ने जो है ना घुमा दिए हैं। इधर देखिए इस तरफ भी ये सारे लोहे के हैं, और लोहा भी पुराने वाला, बड़ी हाई क्वालिटी का, और यहाँ तक कि काफ़ी लंबा है, इसकी जो है कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी पड़ा हुआ है, उसको भी हम आज रखेंगे। तो वक्स भाई आ जाए, इसका करते हैं लेके किधर जाए। इसी के साथ हम थोड़ा कैमरे को सेट कर लेते हैं और फिर इसको उठा के लेके जाते हैं, और आपको सारे मंजर नज़र आएंगे कैमरे। तो चलें जी, ये देख लें आप, इसको बाहर निकाल लिया है और अभी इसको लेके जाएंगे। चलें बख्श भाई, स्टार्ट करें। आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है भाई। ये देखें आप, बहुत ही वजनी है और बहुत एफर्ट, दो जो है ना बिल्कुल गबरू जवान जनाब वो उठा के लेके जा रहे हैं इसको, ये देख सकते हैं। और इसकी लंबाई भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 100 फीट से भी ज़्यादा लंबाई है इसकी। तो
आप लोग देख रहे होंगे क्या है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है आपको, हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया है जो वाक्या जो है ना कल हमारी कल रात जो गुज़श्ता रात है वो गांव में पेश आया है कि कुछ बकरियां चोरी हो गई हैं, उसके साथ साथ कुछ खाद का सामान भी लेके गए हैं। तो काफ़ी अंधेरा है। ठीक है बख्श भाई ले आए, चलें ले आए। ये देखें जी काफ़ी महंगा और जो है ना अच्छी क्वालिटी का 100-150 फीट का जो है ना ये है। बख्श भाई थोड़ा दूसरे एंड पे रहे, राइट राइट ध्यान पीछे। ये देखिए अंदर जी ज़रा लाइट का काफ़ी मसला है, लेकिन हमने कैमरे की लाइट ऑन कर लिया है तो वो काफ़ी बेहतर होगी। चलो जी अब एक रख दिया, अब दूसरे दो की बारी आ गई। ठीक है अच्छा तो बताएं फिर वजनी थे या नहीं थे? बहुत ज्यादा वजनी थे। अच्छा उठा लिया दो लोगों ने, लेकिन बहुत मुश्किल से काटे, उनका वो एरिया सेट था। ओके एक जगह के ब्रश हुआ तो कभी ना उठा। ओके ये दूसरा भी निकाल लिया। तो ये देखें जब तक बंदे को कोई नसीहत ना हो वो सही काम नहीं करता। तो गांव में जो है ना पिछली रात एक वाक्या हुआ है जिसकी वजह से ये देखें आज हर चीज़ अजीज होगी। ये देखें ये तो बाइक पे चला गया और ये दूसरा बाद में देखेंगे।